अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करें। मैंने अभी गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र यहाँ पर ओपन कर लिया है। आपने यहाँ पर आकर सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड और एंटर प्रेस कर दें। अब आपने ये वेबसाइट ओपन कर देनी है। ये वेबसाइट आप कोड से देख लें, code.visualstudio.com। इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। मैंने ओपन लिंक की न्यू टैब पर क्लिक कर दी है, तो न्यू टैब में ओपन हो गया लिंक। तो यहाँ से डाउनलोड फॉर फ्री यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर स्टार्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर यह डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गया है। अब ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सेटअप देख सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप यहाँ पर मौजूद है। अब यहाँ से हम विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, इस पर भी चेक कर देंगे, इस पर भी टिक कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे और इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। ये इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है। अब यहां पर फिनिश पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन भी हो गया। ओके, अब फाइल किस तरह से क्रिएट करनी है, हमने न्यू फाइल पर क्लिक करने से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप फाइल पर आएँ, फाइल पर क्लिक करें, न्यू टेक्स्ट फाइल पर क्लिक करें, तो यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट हो गई है। अब इसको आपने पहले सेव कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं फाइल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। ओके, कहाँ पर अब ये फाइल सेव करनी है, मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर आता हूँ। डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। ओके, न्यू फोल्डर टू, और यहाँ पर मैं फाइल का नाम रख देता हूँ फॉर एग्जांपल index.html, क्योंकि मैं html की फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देंगे। राइट, यहाँ पर html वाली फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब ये फाइल कहाँ पर क्रिएट हुई है, डेस्कटॉप। ओके, डेस्कटॉप पर यहाँ पर न्यू फोल्डर टू आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फाइल क्रिएट हुई है इंडेक्स। ओके, यहाँ पर आ जाएंगे विजुअल स्टूडियो कोड पर दोबारा। अब यहाँ पर देखें, हम विजुअल स्टूडियो कोड में बड़ी आसानी से कोड कर सकते हैं अगर हम थोड़ी सी ट्रिक्स का यूज़ करें। यहाँ पर मैं HTML5 पर काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ये सिंबल मैंने ऐड किया, तो यहाँ पर इमट एब्रीविएशन आ रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर HTML5 का देखें कोड आ गया इधर ईजीली। यहाँ आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पर लिखें HTML, नीचे आ रहा है HTML:5, यहाँ पर क्लिक करें, तो ये देखेंगे HTML5 का बेसिक कोड जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर बना बनाया आ गया। तो यहाँ पर इजीली हमारा काम हो जाता है। ये इसको कहते हैं इमट, इमट के ज़रिए आप इजीली काम कर सकते हैं इस तरह से। ओके, अब ये बाज़ूकात अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में, यहाँ पर तो मुझे इमट पहले से मिल रही है, अगर आपके पास इमट नहीं है तो आप यहाँ पर एक्सटेंशन पर आएँ, यहाँ पर इमट सर्च करें, यहाँ पर क्लिक करें और इंस्टॉल कर लें। अभी मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इमट का ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखें जी, मैं यहाँ पर इसको रेज करता हूँ, ये सिंबल मैंने ऐड किया है और नीचे आ रहा है इमट एब्रीवेशन। तो जैसे मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा, तो ये HTML5 का बेसिक कोड ऑलरेडी बना बनाया मेरे पास आ जा रहा है। मतलब ये हुआ कि इमट के ज़रिए हम काम फास्टली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मुझे यहाँ पर एक div टैग चाहिए, तो मैं यहाँ पर div लिखूँगा और टैग ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगा। क्लियर हो गया। आई होप कि आपको क्लियर होगा किस तरह से विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड और इंस्टॉल करना है और इमट का किस तरह से यूज़ करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।